अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़े आप लोग। इसमें लिखा है कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आवंटित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमसे तीन बातें पूछी इसमें, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें जो केंद्र पर बना हुआ कोण है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये दिया हुआ हमारे लिए और हमसे पूछिए चाप की लंबाई पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में पूछिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा उसमें पूछा हमसे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले में चाप की लंबाई पूछिए, दूसरे में पूछा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और तीसरे में पूछा हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को बता दूं मैं, जब जब भी हमसे ये नहीं कहा जाए कि लघु या दीर्घ और केवल हमसे ये कहा जाए कि त्रिज्याखंड निकालिए, तो हमें केवल केवल लघु त्रिज्याखंड का निकालना है, ठीक है। और यदि हमसे ये कहा जाए वृत्तखंड ज्ञात कीजिए तो हमें दीर्घ नहीं निकालना, लघु ही निकालना तब भी, ठीक है। यदि हमसे दीर्घ के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, अगर दीर्घ पूछेगा, ठीक है। इसी प्रकार चाप का है, हमसे लघु चाप और दीर्घ चाप नहीं पूछेगा। यदि हमसे वो कहेगा कि भाई चाप की लंबाई बताइए तो हमें लघु चाप निकालनी होगी, अगर दीर्घ के लिए बोलेगा तो लिखेगा उसमें कि दीर्घ चाप निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आप लोग पांचवा, इसमें कहा गया कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और थीटा कितने का इसमें, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये कोई जीवा है, ठीक है, ये जीवा है जो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है किस पे, केंद्र पर, और 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो हमारे लिए जो दिया है उसको लिख देते हैं, पहला हमारे लिए दिया इसमें के जो वृत्त की त्रिज्या है क्या है, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कोण लिख देंगे इसमें, थीटा दे रखा हमारे लिए 60 डिग्री। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट पूछा हमसे चाप की लंबाई, किसकी चाप की लंबाई पूछी हमसे, चाप की लंबाई पूछिए तो चाप क्या होती है, ये जो है यहां तक पूछा हमसे, ठीक है, यहां तक लघु चाप पूछिए हमसे, ठीक है। चाप तो ये पूरी भी है, पता ना आपको, हाँ, यहां से यहां तक देखेंगे दीर्घ चाप है, लेकिन हमसे केवल चाप की लंबाई बताइए, तो इसका मतलब है हमें कौन सी पूछिए हमसे, लघु चाप की लंबाई पूछिए। और चाप की लंबाई चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो उसका फॉर्मूला वही होता, पता होगा आप लोगों को, कौन सा, थीटा बटे 360 गुणा 2πr गुणा 2πr। देखो अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम πr स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, और यदि हमसे पूछा जाएगा चाप की लंबाई तो हम क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणा 2πr, ठीक है। अब इसमें ये देखो आप लोग, क्या इसमें पाई और पाई पर दी है, इसमें यदि हमारे लिए दी होगी इसमें 3.14 लेनी है तो हम ये लेंगे ना, तो हम 22/7 लेंगे, दी हुई है, तो देखिए आप लोग हमारे लिए कोण दिया 60 डिग्री बटे 360, ठीक है, दो का दो और ये 22/7 और कितना हमारा 21, ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, चल छमिड़े 36। इसके बाद आप लोग इसको दो से काट दो, तीन कट जाएगा, तीन से इसको काट दो, तीन सत्ते 21 और सात से सात कट गया, क्या बचा 22, केवल केवल 22 बचा है, तो 22 सेंटीमीटर आ गई, क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आई जो हमसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा है। अब सेकंड पॉइंट में देखें आप लोग, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा हमसे कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस चाप द्वारा क्या बनाया गया, ये त्रिज्याखंड बना, पता ना आप लोगों को, ये तो इसमें लिख देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
चाक द्वारा बनाए गए तिरछखंड का क्षेत्रफल, तिरछखंड का क्षेत्रफल बताओ आपको क्या होता है? तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? घेटा बटे 760 गुना पाई आर स्क्वायर। यहां खड़ा हूं ठीक है, आप लोग देखो तो थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बटे में 360। अच्छा पाई की वैल्यू और ले ली थी इसमें तो 22 बटे 7 आर कितना है इसमें? 21। तो दो बार लिख देंगे 21 गुना 21 ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 36 क्षेत्र कट गया और हम इसको काट देंगे 7 दिया 21 3 दूनी 6 2 से काट देंगे इसको 11 काट देंगे और 11 के और 21 से गुणा कर देंगे तो देखिए 11 कम 11 का 1 का ठीक है 11 दूनी 22 22 और 1 23 तो 231 आ गया। कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा गया सेकंड पॉइंट जिसमें हमसे तिरछखंड का क्षेत्रफल पूछा था ठीक है। अब देखिए आप लोग कौन सा थर्ड पॉइंट, अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखिए आप लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो देखें आपको थीटा क्या दिया इसमें? 60 डिग्री। क्या दिया? 60 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 सात आर कितना है? 21 माइनस इसमें आ जाएगा 1/2 आर कितना है? 21 साइन 60 अंडर रूट 3/2 अच्छा दो बार लगेगा इसमें, दो बार लगेगा हम क्योंकि आर स्क्वायर दे रहा था ना 21 गुणा में और साइन साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2 या ठीक है। इसके बाद जब कटा उसको काट देंगे जीरो से जीरो कट जाएगा 36 और 7 दिया 21 3 दूनी 6 और इसको काट देंगे कितना जाएगा? 11 देखो डायरेक्ट लिख सकते थे क्या 231 आया हुआ है पहले कर दिया आपने ठीक है। तो हमें पता है कि गुणा करेंगे 231 आएगा माइनस अब इसको करेंगे देखो इधर करेंगे कितने कटेगा ये कट नहीं रहा नहीं कट रहा है तो किस के किस गुणा करेंगे क्या आएगा 441 तो 441 रूट 3 बटे में 2 × 4 इतना आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। यदि हमारे अंडर रूट 3 की वैल्यू दी होती, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती 1.73 ठीक है तो उसको रख देते हम, हमारे दी नहीं थी इसलिए हमने उसको ऐसा ही कर दिया ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है आप लोगों का, अगर कोई डाउट हो तो आप बोल बताओ।